अभी नया बना है, ये भी नया बना है, ये लोक कला नृत्य है। इसमें ये जो है तेरह तेरे नृत्य का हमने एक पटन प्रदर्शित किया है। तेरह तेरे नृत्य जो है पाली जिले का ही एक लोकल लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। ये पाटना ग्राम में जो मंगी भी है इन्होंने इसको प्रदर्शित किया है। तो ये तेरह तेरे नृत्य का एक पटन प्रदर्शित किया जिसमें दान भाव में नौ मंदिर है, दो भजन होते हैं, दो भवन होते हैं। तो इस प्रकार से इसको गाया गया है, उसका एक पटन यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ये ग्रास जनता जी का एक अधिवास है, जिसे ग्रास जनता जी के अधिवास को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया, जिसमें किस प्रकार का उनका रहने का मकान होता है, कैसे उनके जो है घर में काम करने वाले छोटे से उपकरण हैं, औजार हैं, बर्तन हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्रास जनता जी के एक मकान का रूप में जो है प्रदेश में किया जीवन। ये इनकी ग्रास जनता जी की रसोई का एक हिस्सा है, किस प्रकार से अपने सिक्के हैं और इंडोसिसियन को गदैया सिक्के भी कहा जाता है। और ये इंडोसिसियन काल के सिक्के हमें जो है जयपुर से प्राप्त हुए थे, जयपुर निदेशालय से। फिर हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिमा शुरू होती है। यहाँ आप देखेंगे कि गणेश जी की प्रतिमा में सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया है, जानवर से हिमाल से प्राप्त होगी। और यहाँ जो है अष्टदिक्पाल की प्रतिमा है, अष्टदिक्पाल की प्रतिमा यहाँ संस्थापक शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, उनके भी सिक्के यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। इधर जो है प्रतिमा की गैलरी साथ साथ चल रही है। ये एक सूर्य सुंदरी की प्रतिमा है जो हमें निमाज संदी, और ये निमाज 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 पाली से प्राप्त हुई। और ये हमारे यहाँ पर डबल ए कैटेगरी की प्रतिमा है जी। दो प्रकार की उत्कृष्ट प्रतिमा होती है, उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट। इसमें एक डबल ए कैटेगरी की प्रतिमा है और दूसरी होती है ए कैटेगरी की। तो ये हमारे संग्रहालय की डबल ए कैटेगरी की प्रतिमा है। ये जिलाधारण सरस्वती की प्रतिमा है, ये भी हमें निमाज से प्राप्त हुई। और इसके आगे आप आते हैं, इसमें सबसे संग्रहालय की सबसे जो महत्वपूर्ण प्रतिमा है जी, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें सुगंधी माता की प्रतिमा है, सुगंधी माता अउवा, और जो काली प्रतिमा भी बोलते हैं, काली देवी की प्रतिमा भी बोलते हैं जी। अउवा 1857 क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो यहाँ अंग्रेजों और जाऊआ ठाकुर प्रसाद सिंह जी इनके बीच संघर्ष हुआ, और ठाकुर प्रसाद सिंह जी इन्हीं के देवी कालीन भक्त थे। और इस प्रतिमा की प्रमुख विशेषता है इसके 54 हाथ, और हिंदू शास्त्रों में जो मूर्तियां बनती है उसमें 2 हाथ 4 हाथ 6 8 12 और 16 और 20 तक होते हैं। 54 हाथ जो है 54 हैंड्स होना बहुत एक अद्भुत बात है। और प्रत्येक हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं, और गले में है नरमुंड माला है,
जी और जो प्रतिमा जो है एक्चुअली माता पार्वती की है, ये अपने रौद्र रूप में है जी और सवारूढ़ है, सबके ऊपर ये आरूढ़ है। और 1857 क्रांति में जब दो युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई, चला चलावास का युद्ध और पिथौरा के युद्ध में, जी पर तीसरे युद्ध में जब उनके अंग्रेजों की विजय होती थी तो पूरे किले को ही ध्वस्त कर दिया था और इस प्रतिमा को भी जो है खंडित कर दिया। लोगों की आस्था इसमें थी, लोगों की मान्यता थी कि इन्हीं की वजह से विजय प्राप्त हुई है, जी तो इस मूर्ति को शक्त उच्छेद करके इन्होंने अगुए गोदाम में भेज दिया था। बिल्कुल बाद में जो गौरी सिंह हीराचंद ओझा थे, जो राजपूताना म्यूजियम के पहले क्यूरेटर बने 1909 में, और उन्होंने राजस्थान में जहां जहां पुरा संपदा बिखरी पड़ी थी उस पुरा संपदा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जब वे आबू के गोदाम से इस प्रतिमा को लाए और अजमेर में इसको असेंबल करके वापस डिस्प्ले किया गया। और जो 1991 में जो पाली में म्यूजियम बना तो अजमेर से प्रतिमा वापस पाली रह गई और यहाँ पर डिस्प्ले में आगे चल तुगलक वंश के संस्थापक जी। यहाँ आप गया के सिक्के, यहाँ मुबारक शाह का सिक्का था सैयद वंश के शासकों का, और उसके बाद में आप लेटर पीरियड में जो है शाह आलम का सिक्का, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो हुए थे 1759 से 1806 उनके सिक्के डिस्प्ले। यहाँ ये जो मैं चली रही है ये वर्मान से मिली हुई है, ये भी हमें जो है वर्मान से मिली, तो ये आपके जो ब्रिटिश कालीन हथियार है जी और आज के फायरेबल है, एक मैचलॉक मंचा है और एक मैचलॉक बंदूक है और साथ में आप यहाँ पर एक तलवार ढाल और कुल्हाड़ी आप दे सकते हैं। ये एक पैनोरमा है नवग्रह फलक में जो प्राप्त हुआ था वर्मा से, नवग्रह फलक यहाँ पर आपको प्रदर्शित है यहाँ पर। फिर यहाँ माता सरस्वती प्रतिमा नाडोल जो पाली जिले में 10वीं शताब्दी का एक प्रमुख सभ्यता का केंद्र रहा है, 10वीं-11वीं शताब्दी का, तो नाडोल से जो है मुख्य देवी प्राप्त हुई थी सरस्वती की प्रतिमा है और सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में है क्योंकि आप इस मूर्ति की स्थापति देखेंगे तो उसमें हाथों के नाखून और अंगुलियों तक की बनावट को भी बड़ी अच्छी और उसमें किसी दर्शक को जो है अच्छे डाल सकती है, बहुत ही बढ़िया प्रतिमा हमारे यहाँ पर जो नाडोल से प्राप्त हुई थी 10वीं शताब्दी की। ये जो पाली जिले की जो नदियां हैं पांडी लीलरी जोजरी गुहिया नदियां जो है ये पाषाण काल में यहाँ पर भी मानव का अधिवास था। ये आप जो उपकरण देख रहे हैं ये लघु पाषाण कालीन उपकरण है, जब मानव ने जो पहले गोरा पाषाण काल में मानव ने बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया, जब मानव की समझ बड़ी बुद्धि बड़ी तब उसने छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया, तो ये सारे लघु पाषाण काल है। इसमें आपके हैंड एक्स है, फ्लैग है, स्क्रेपर है, ये पाली की जो नदियां हैं नीलिरी बांडी गुया इन्हीं किनारों में प्राप्त होते, इससे ये साबित होता है कि लघु पाषाण काल में मानव का अधिवास पाली जिले में था। और यहाँ देखेंगे ये जो है ताम्रपत्र है जो नाडोल से प्राप्त होते हैं राजा अलण और राजा कलण के हैं, जिसमें इन्होंने ब्राह्मणों को कूप दान और वृक्ष दान का उल्लेख किया है, तो ये ताम्रपत्र है देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ ये प्रतिमाएं चली रही है, यहाँ पर ये प्रतिमाएं चली रही है। मानव ने सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल किया, पत्थर से जो मानव का विकास हुआ समय बीता तो मानव ने धातु का इस्तेमाल किया, सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया वो था तांबा, तो ये जो तांबे की कुलाड़ियां हैं ये 2000 ईसा पूर्व की है, पाली में भंदर गांव से प्राप्त हुई थी। इन कुलाड़ियों का इस्तेमाल हो चाहे जमीन खोदने में करता हो या कोई चीज काटने में करता हो, तो ये तांबे की कुलाड़ियां हैं जो पाली जिले से भंदर में प्राप्त हुई थी 2000 ईसा पूर्व की। ये जैन धर्म की कुछ प्रतिमाएं हैं, इसमें ये 8वीं-9वीं शताब्दी के भगवान महावीर स्वामी की ये प्रतिमा है जिसे जीवन स्वामी कहते हैं, ये सुमेरपुर से बलवाना गांव से प्राप्त हुई थी। अच्छा। और ये भी हमारे म्यूजियम की डबल ए कैटेगरी की प्रतिमा। ये निमाज की प्रतिमा है, निमाज जो पाली से 100 किलोमीटर दूर है और बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र है मूर्ति कला का, तो वहां से हम ये जो है मूर्तियों का अवशेष प्राप्त करते हैं। ये एक शिलालेख है कुटी लिपि का ग्राम बीजापुर से, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है, जोधपुर राजवंश के जो जो संस्थापक थे राजसिंह जी राठौड़ों के जो मूल पुरुष थे उनकी ये देवली है। कन्नौज में संस्था कन्नौज से ये जब उनका राज्य उजड़ गया तो ये पाली की तरफ आए और पाली में जो पाली के जो पालीवाल ब्राह्मण थे जिनके नाम पर ही इस शहर का नाम जो है पाली पड़ा, पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी रक्षा के लिए इनको जो है नियुक्त कर लिया था और यही ये पाली से 14 किलोमीटर दूर गांव है बिट्ठू, बिट्ठू में वो इन पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते, वहीं इनकी जो है देवली स्थापित कर दी गई थी
बाद में म्यूजियम में नहीं गई, और इसमें छोटा सा शिला लेख है जिसमें राव सिहाज जी के देहांत की तिथि जो है 1273 ईस्वी में वो सोमवार को अंकित की हुई है। और राव सिहाज जी जो है राठौड़ के मूल पुरुष माने जाते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक शिलालेख जो है पाली म्यूजियम में डिस्प्ले है। इसके अलावा यहाँ पर जो पाली जिले के अंदर काफी आपने देखा होगा कि ट्राइबल एरिया भी है, जहाँ ग्रास जनजाति का अधिवास है, जैसे पाली तहसील जो है महत्वपूर्ण इसी ग्रास जनजाति की आबादी ज्यादा पाई जाती है, तो उन ग्रासिया महिलाओं के जो ये आभूषण है उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है ग्रासिया महिलाओं के। और अधिकतर जो ये ट्राइबल लोग होते हैं ये चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं जी, तो ये ग्रासिया जाति की महिलाओं के आभूषण यहाँ प्रदर्शित है। ये मामा जी का घोड़ा है मिट्टी का बना हुआ, ये मान्यता है कि जब ग्रासिया जनजाति के लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है, मनोतिया पूरी हो जाती है, तो ये मामा जी का घोड़ा जो है उनको चढ़ाया जाता है। ये मिट्टी का बना होता है, अधिकतर मिट्टी के मामा जी के घोड़े जो है जालौर जिले में हरजी गांव है जहाँ स्पेशली ये बनाया जाता है। ये ग्रासिया महिलाओं का आभूषण का प्रदर्शन है। ये जो मूल है एक प्रकार से हम भंडार पात्र बोल सकते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी का, ये फर्स्ट सेंचुरी एडी का, प्रथम शताब्दी का, ये सेवाड़ी से प्राप्त हुआ था और ये कुषाण कालीन है ये, और ये जो सेवाड़ी में एक स्कूल थी वहां नीर की खुदाई में ये प्राप्त हुआ था। और इसमें धान पात्र के रूप में कह लीजिए आप कोई भी सामान रखने के लिए, खासकर तेल घी या धान रखने स्टोरेज करने के लिए काम आता था। ये नादोल से प्राप्त में प्राप्त स्कूल है, ये जो पात्र है जल पात्र है जिसमें जो है बड़े पाइन आर्ट इसके अंदर की गई है, काले रंग का बना हुआ है और लाइनिंग भी इसके अंदर की गई, तो काफी महत्वपूर्ण 10th सेंचुरी का ये जो है प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये महिषासुर मर्दिनी के टेराकोटा की बनी प्रतिमा है, लाल रंग की टेराकोटा की बनी हुई है, महिष राक्षस को ये वध करते हुए दिखाया गया है। टेराकोटा स्पेशली टेराकोटा एक इटालियन शब्द है, हाँ टेराकोटा का मतलब लाल मिट्टी की बनी हुई वस्तु है, तो ये इसीलिए इनको टेराकोटा कहा जाता है। बिल्कुल, ये खनिजों का संग्रह है राजस्थान, वैसे भी खनिजों का अजायब घर कहता है, यहाँ 23 प्रधान खनिज है, 46 अन्य प्रकार के खनिज है, तो खनिज विभाग द्वारा दिए गए प्रमुख खनिजों की जो बांगी है हमने यहाँ पर डिस्प्ले की है, तो ये सारे खनिजों के नमूने पाए हैं। आगे चलेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जोधपुर महाराजाओं के जो चित्र है वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जो विभिन्न काल में जोधपुर महाराजा है उनको प्रदर्शित किया गया, जैसे कि महाराजा मानसिंह जी, महाराजा विजय सिंह जी, महाराजा भक्त सिंह जी, महाराजा राम सिंह जी, महाराजा अजीत सिंह जी, महाराजा अभय सिंह, महाराजा जशन सिंह प्रथम, महाराजा गज सिंह जी प्रथम, महाराजा मोटा राजा उदय सिंह, राव मालदेव, राव गुदा जो जोधपुर के संस्थापक माने जाते हैं, जोधपुर की स्थापना इन्होंने की 1459 में, राव रणमल और राव सियाजी जो राठौड़ों के मूल पुरुष है। यहाँ से जैन युग का प्रारंभ होती है, तो ये जैन यक्ष की प्रतिमा है, यक्ष और यक्षिणी इनमें मान्यता होती है जैन धर्म में, उनकी यह प्रतिमा है। आगे ये जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, ये सारी जो चीजें हमें जालौर से प्राप्त हुई है, जालौर में जो है साविदर गांव है हिमाल सेक्शन में, वहां से सारी चीजें प्राप्त हुई है। यहाँ जैन ये सारे जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, ये प्रतिमा हमें जालौर में हिमाल गांव में साविदर से प्राप्त हुई, ये 13वीं और 14वीं शताब्दी की सारी प्रतिमा है। राजस्थान में जो है ऊंटों को लोक देवता माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जो है बाबू जी को ही है, और ऊंट पालने वाली जो जातियां होती है राय का आदिवासी जो जातियां होती है वो इनको अपना आराध्य देव मानती है, और जब भी कोई ऊंट घूम जाता है खो जाता है और वापस ऊंट जब मिल जाता है तो उसकी मनोती पूर्ण होने पर जो है ये बाबू जी की पड़ बचाई जाती है। ये कपड़े में बना हुआ एक पूरा बाबू जी के जीवन का प्रसंग दर्शाते हुआ बना चित्र है, इसमें भोपा और भोपिंग जो होते हैं जो इस पड़ को बांटते हैं वो उसको पड़ को फैला देते हैं, और उसके बाद में लांटेन लेकर भोपिंग जो पीछे खड़ी रहती है, और जो भोपा होता है वो टेर लगाता हुआ उस प्रसंग के बारे में बताता रहता है। तो इनके पूरे जीवन जो है चरित्र है उनका पूरा, बाबू जी के जो कारनामे है जो कर्म है जो उन्होंने किए थे उनका उनका पूरा वर्णन है। ये बाबू जी जो पड़े हैं अधिकतर अपना भीलवाड़ा में शाम राम बनती है, जो से फैमिली है जो से परिवार है वो इसको बनाता है बाबू जी, तो बाबू जी की पढ़ है, गंगा जी की पढ़ है, तेजा जी की पढ़ है, रामदेव जी की पढ़ है, देवनारायण जी की पढ़ है, इनमें सबसे बड़ी पढ़ जो है देवनारायण जी की पढ़ माना जाती है जो गुजरों के लोग देवता माना जाता है। ये राम सिंह जी का आदमी का चित्र है,
और जो राठौरों के मूल पुरुष माना जाता है, और 1273 ईस्वी में ही वो जो है बिच्छू गांव में शहीद हुए थे जी, उन्हीं का एक अदन के चित्र बनाया गया है। ये राठौर सिंह जी है जिस प्रकार महाराणा प्रताप अकबर से लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, उन्होंने अकबर की दीनता नहीं मानी, इसी प्रकार मारवाड़ में भी रामचंद्र सिंह जी थे जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया और अकबर की अधीनता नहीं मानी, और ये मारवाड़ के जो है महाराणा प्रताप भी कह जाते हैं। इनकी जो समाधि है वो पाली जिले में सारण गांव में है, सारण गांव में इनकी समाधि है। तो ये रामचंद्र सिंह जी का आदम का चित्र है। ये वीर दुर्गादास राठौर जिन्होंने लंबे समय तक औरंगजेब से संघर्ष किया और अपने जो शिशु बालक राजा थे इनको जो है अजीत सिंह जी को इन्होंने जो है महाराजा बनाने में काफी संघर्ष किया, और 1678 से 1709 तक लगभग इन्होंने जो है 30 साल तक औरंगजेब से संघर्ष किया, और आखिरकार महाराजा अजीत सिंह जी को इन्होंने राजा बनवाया था। बाद में अजीत सिंह जी और इनके बीच में कुछ विवाद हो गया तो जिसकी वजह से इनको देश निकाला दे दिया गया और फिर उज्जैन चले गए, और उज्जैन में ही इनका देहांत हुआ, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में इनकी समाधि है। तो एक बहुत बड़े जो है देशभक्त भी थे, स्वामी भक्त भी थे, जिन्होंने लंबे समय तक जो है मुगलों से संघर्ष किया और अपने शासक की जो है रक्षा की इन्होंने। बिल्कुल, ये राठौरों के यूलिसीज माने जाते हैं जो कर्नल जेम्स टॉडेल के बारे में कहा, ये बाबू जी की पर है, उसी का एक भाग जो मैंने आपको तो बताया था, तो ये उसी का पार्ट है। इस प्रकार से एक छोटा सा म्यूजियम है जो आप देखें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।